अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार आज का जो व्लॉग है ना वो फूड रिलेटेड है, बिकॉज मैं बहुत टाइम से जो है ना मैंने हुमस खाने की बड़ी क्रेविंग हो रही थी। और यहाँ कराची के अंदर एक जगह है जो जाडन नाम है ना, आई गेस यस जाडन 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 यू नो, तो यू नो मैं जाडन जाकर अच्छा सॉरी झाड़न नहीं है, वो जो आप कमरों में झाड़ते हैं ना वो झाड़न नहीं है, इट्स अ जाडन। तो मैं जाडन जाऊंगा, वहाँ पर हुमस ट्राई करूंगा और रुबो आई डोंट नो क्या ट्राई करेंगे, बिकॉज शी ऑलवेज ट्राई सम डिफरेंट थिंग्स। और उसके बाद फिर यू नो मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे अच्छा लगेगा तो फिर मैं कंटिन्यू खाना शुरू कर दूंगा। सो आज हुमस की बारी है। अरे यार मैं क्या जोड़ा टेढ़ा हो जाता है, लोग कैसे बोल लेते हैं सब। खैर आज मैं हुमस, क्योंकि मैं यूएई में काफ़ी खाता रहता था, मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारे स्पॉट्स मुझे रहता ही हूँ, लेकिन बातें वहाँ की कर रहा हूँ। मिडल ईस्ट, तो भाई मिडल ईस्ट में हमने ऑब्वियसली काफ़ी टाइम गुजारा है, ऑन एंड ऑफ जाते रहते थे और वहाँ पर मैं बहुत अच्छा हुमस मिलता है। और उसके बाद जो दूसरी जगह मुझे पसंद आई वो जार्डन की आई है, और उनका हुमस का प्रेजेंटेशन और टेस्ट बहुत अप टू द मार्क है, तो मैं अब मिस नहीं करता। लेकिन यस मिस करता हूँ वहाँ की भी कंपनी, लेकिन अब माशाल्लाह कंपनी भी अच्छी है, फ्लेवर भी अच्छा है, लोकेशन भी बड़ी अच्छी है, तो ज़रूर आप लोग ट्राई करना। आज मेरे साथ चलो, कल अपनी अपनी बेगमात और अपने दोस्तों को साथ लेकर जाना। लेकिन आप लोग अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे सजेस्ट करना कि कौन कौन सी जगहें आप देखना चाहते हो कि मैं वहाँ जाऊँ और एक्सप्लोर करूँ और टेस्ट शेयर करूँ। ऑल दो फूड व्लॉग अब आते रहेंगे आगे भी, तो आज हम चाह रहे हैं जार्डन और वहाँ पर मैं तो हुमस खाने वाला हूँ और इनका देखते हैं क्या ऑर्डर करती हैं। ये बहुत ज़रूरी है यार, ये बहुत ज़रूरी है, ये भूल जाता हूँ मैं असल में। यू नो व्हाट, आप लोगों का प्यार ऑटोमेटिकली आता रहता है ना, तो मुझे ये सब बोलने अच्छा नहीं लगता है। लेकिन YouTube की दुनिया में मैंने ये चीज़ सीखी है कि बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई करना कर लेना कट। मेरा होमोस आ गया और इसमें इतनी सारी चीज़ें, ये नहीं मेरा ख्याल है, मैं तो इसको पुदीना समझूंगा। मैं रुबो से पूछता हूँ, रुबो ज़रा बताओ ये क्या क्या, ये बेसिल लीफ, ओके फेटा चीज़, ओके नट्स, ओके एंड ओलिव्स, ये जो रिफ्लेक्शन आ रही है ये ओलिव है, ये नो द ओलिव्स हियर द ब्लैक ओलिव्स, और ये तो ओलिव ऑयल है ना, बट दैट्स ओलिव ऑयल, ओके। और दूसरा आइटम हमने किया यार, ये जिस तरह से इन्होंने ये केचप को स्प्रेड किया है, बड़ा स्टाइलिश लग रहा है यार ये। चिकन क्रोकेट्स एंड दैट्स हवाईन पिज़्ज़ा। इसमें भी ये पुदीने, बेसिल लीव्स, इसको कुछ और ही कहते हैं भाई, ये ठेले पे तो नहीं मिलेगा बट मिल जाएगा भूलना क्या पड़ेगा। और ये हमने पिज़्ज़ा किया, इसमें पालक के पत्ते पड़े हुए ऊपर, स्पिनिश लीव, ये ट्राई करूँगा तो बताऊँगा। अभी मैं जल्दी से पहले अपना हुमस ख़त्म करूँ। और ये मैंने एक निकाला यार, ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसको मैं इस डिप सॉस में इस तरह से डिप करके हम खा रहे हैं, बहुत यम्मी लग रहा है। बहुत